वेलकम टू कुकिंग शुकिंग विद प्रिया। आज हम बनाएंगे कच्चे आम से एक रेसिपी, जिससे हमारी बनेगी पांच रेसिपी। तो ये रेसिपी जो है हमारी 6-7 महीने तक ख़राब नहीं होगी। आप बिना स्किप किए वीडियो देखेंगे तो आपको सारी बात मेरी समझ में आएंगी। तो चलिए बिना समय गवाए हमारा वीडियो शुरू करते हैं। 1 किलो मैंने यहाँ पर कच्चे आम लिए हैं। इनको अच्छी तरह से हमें धोकर सुखाना है। जब अच्छी तरह धोकर सूख जाएंगे तो इन्हें हमें बॉईल करना है प्रेशर कुकर में। सभी केरी को मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है। अब इसमें हमें ऐड करना है पानी, तो यहाँ पे मैं 1 गिलास पानी ऐड करूंगी। अब हम प्रेशर कुकर को बंद कर देते हैं और 5 मिनट हमें फुल फ्लेम पे रखना है। 3 से 4 हमें बिसल लेनी है और 5 मिनट हमें कम फ्लेम पे रखना है। उसके बाद गैस को बंद कर देना है और ठंडा होने देना है। तो मैं प्रेशर कुकर को बंद कर देती हूँ। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और कुकर को ठंडा होने देंगे। कच्चे आम को हमने प्रेशर कुकर से बाहर निकाल लिया है। आप देख सकते हैं ये ठंडे हो गए हैं। हमें ये छिलका हटाना है, बड़ी आसानी से निकल जाता है। इस तरह हम इसको निकालेंगे। इस तरह देखिए छिलके के अंदर भी कुछ पल्प है, इसको भी हम अच्छे से साफ करेंगे इस तरह, ताकि पूरा पल्प जो है रह जाए और छिलका जो है हम फेंक देंगे। फिर छिलके के अंदर जो पल्प था वो हमने अच्छे तरह से निकाल दिया है। अब जो है केरी के अंदर का जो ये पल्प है ना, ये भी हमें अच्छे तरह से साफ करना है। इसके अंदर की जो गुठली है ये हमें हटानी है और पल्प को हमें काम में लेना है। ये बहुत ही आसान तरीका है जो मैं आज आपको बता रही हूँ। यदि आप छिलके उतार के करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये बहुत ही सिंपल तरीका है करने का। इस तरह हम सारा पल्प जो है निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह हमें बिल्कुल इसको क्लीन करना है, बिल्कुल ऐसे। इस तरह सारा पल्प मैंने इसमें निकाल लिया है। अब हमें इस पल्प को मिक्सी में ग्राइंड करना है। अब देखिए जिसमें हमें पकाना है हमें वही पैन लेना है। तो मैंने यहाँ पर नॉन स्टिक पैन लिया है, इस पे अब हमें रख देंगे जर। और जो हमने पेस्ट बनाया था वो इसमें हम डाल देंगे और छान लेंगे। छानने का भी एक रीजन है, वो मैं आपको बताती हूँ। छानने से क्या होगा कि इसमें जो रेशे रह जाते हैं ना वो मुंह में आते हैं, तो छानने से क्या है कि वो मुंह में नहीं आएंगे, इसलिए हमें इसको छानना है इस तरह। और पीसा मैंने इसलिए है, मिक्सी में भी ग्राइंड करने का एक कारण था, वो मैंने इसलिए पीसा है। पहले नहीं पीसते तो भी चलता, लेकिन मैंने इसलिए पीसा है कि जो इसका जो पेस्ट था, इसकी जो प्यूरी जो हमने बॉईल करके जो बनी थी वो बिल्कुल एक सार हो जाए, बिल्कुल इक्वल हो जाए, इसलिए हमने इसको पीसा था, ताकि जो हमने ये छाना है तो छानने में भी हमें आसानी रहे। इस तरह देखिए बिल्कुल कोई भी बड़ा पार्ट इसमें नहीं है। बहुत से बार जो कच्चे आम आते हैं ना उसमें बहुत रेशे रहते हैं, तो रेशे नहीं रहे इसलिए हमें ये छानना है, आप देख सकते हैं। तो देखिए पेस्ट हमने सारा डाल दिया है हमारा। अब इसको हमें गैस पे पकाना है, तो चलिए इसको हम पकाना शुरू करते हैं। प्यूरी को मैंने गैस पे रख दिया है। गैस के फ्लेम को हमें फुल रखना है, फुल फ्लेम पे ही, जब तक कि ये अच्छे से गर्म नहीं हो जाए तब तक हमें इसको पकाना है। बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे। मैं ये रेसिपी बहुत बार ट्राई कर चुकी हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपके साथ शेयर करूँ। तो जब ये पल्प बन जाएगा और ठंडा हो जाएगा तो हमें इसे कांच की बर्नी में भरना है। हमें इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, बहुत सिंपल रेसिपी, आप जरूर एक बार इसे बनाइए। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें मैंने कुछ भी नहीं मिलाया और कांच की बर्नी में भरना है वो कैसे, तो उसका भी मैं आपको बताती हूँ जवाब। इस एक रेसिपी से हम 4 तरह की चीजें बनाएंगे, सुनिएगा, इस एक रेसिपी से हम 4 तरह से चीजें बनाएंगे। सबसे पहले ये है, यदि आप कच्चे आम का जैम बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है वो आप सुनिए। उसी कांच की बोतल में से हम थोड़ी सी प्यूरी निकाल लेंगे। जितनी हम प्यूरी लेंगे उतनी ही हमें शक्कर लेके दोनों को हमें गाढ़ा करना है गैस पे। जब वो गाढ़ा हो जाएगा तो हमें गैस की फ्लेम को बंद करना है, इलायची पाउडर डालना है और ठंडा होने के बाद आप उसको बोतल में भर दें। बिल्कुल टेस्टी जैम हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। अब मैं आपको दूसरी रेसिपी बताती हूँ, वो है कच्चे आम की चटनी। तो कच्चे आम की चटनी भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो कच्चे आम की चटनी यदि हम बना के रखेंगे तो वो भी जो है हमारी 7 से 8 महीने तक खराब नहीं होती है। तो उसके लिए हमने जो ये प्यूरी बनाई थी वो हम प्यूरी लेंगे।
और इसी पेस्ट में हमें डालनी है शक्कर, नमक, मिर्च, गरम मसाला, सेका हुआ जीरा और पुदीना पाउडर। सभी को हम लेके गैस पे पकाएंगे। जब थोड़ा सा थिक हो जाएगा तो गैस की फ्लेम को हमें बंद करना है। तो हमारी शानदार कच्चे आम की चटनी बनकर तैयार हो जाएगी। ये चटनी जो है हम किसी भी सैंडविच में या पकोड़े के साथ या किसी भी रेसिपी के साथ हम खा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी अपनी तीसरी रेसिपी, वो है केरी पानी। जी हाँ, केरी पानी गर्मियों में खूब ही अच्छा लगता है, खाने में बहुत ही सही रहता है और खूब केरी पानी गर्मी में पीना चाहिए। केरी पानी पीने से लू भी नहीं लगती है। तो उसी बोतल में से थोड़ा सा हम पेस्ट निकाल लेंगे, उसमें थोड़ा हम मिलाएंगे ठंडा पानी और उसमें हम मसाले ऐड करेंगे। उसमें हमें डालना है नमक, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा डालना हमें पुदीना, काला नमक और यदि आप मीठा खाना पसंद करते हैं तो थोड़ी सी मिला दीजिए शक्कर और सभी को कर लीजिए मिक्स। तो शानदार टेस्टी केरी पानी बनकर हमारा तैयार हो जाता है। जब भी कोई घर पर गेस्ट आए तो उन्हें भी आप इस तरह सर्व करके दे सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी हमारी फोर्थ नंबर की रेसिपी, वो है सब्जी में खटाई डालना। किसी भी सब्जी में खटाई डालनी हो तो हमें नींबू की जरूरत पड़ती है, लेकिन बहुत बार होते हैं कि नींबू बहुत महंगे आते हैं। तो अभी गर्मी में खूब केरियां आती है तो इस तरह हम इसका पल्प बनाकर रख सकते हैं। किसी भी सब्जी में हमें खटाई की जरूरत हो तो हम 1 टीस्पून केरी का पल्प जो है यूज में ले सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी हमारी पांचवी रेसिपी, वो है बेसन का चीला। तो बेसन का चीला बना के भी हमने जो भी केरी पानी बनाया था उसके अंदर हम डाल सकते हैं। तो खट्टा बेसन का चीला रेसिपी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। जैसे हमने केरी पानी बनाया था, उस केरी पानी के अंदर आप बेसन का चीला बनाकर ऐड कर दीजिए, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इस तरह देखिए एक ही प्यूरी से कितनी सारी चीजें बन जाती है। तो इसे अब हम ठंडा होने देंगे। अब यहाँ पर मैंने लिया है ये कांच का जार। इस कांच के जार में जो हमने अभी प्यूरी पकाई थी वो ठंडी हो चुकी है, इसमें अब हम डाल देंगे। ये देखिए सारी प्यूरी मैंने कांच के जार में डाल दी है। आप खुद देख सकते हैं कि थोड़ी सी केरी में कितनी सारी प्यूरी हमारी बनकर तैयार हुई है। जब ये प्यूरी पूरी अच्छी तरह से ठंडी हो जाएगी, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी, तब इसे हमें ढक के रखना है और ढककर हम इसे फ्रिज में रख देंगे ताकि काफी समय तक हमारी प्यूरी खराब नहीं हो। और जब भी हमें इसकी जरूरत हो तो इसे हम थोड़ा थोड़ा निकाल के और यूज में लेंगे। यदि कुछ और भी आपको पूछना है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, जरूर मैं इसका रिप्लाई करूंगी। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। यदि आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना न भूलें। मेरे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।